अमिताभ बच्चन ने कभी इंग्लिश बोल करके स्टार्डम नहीं पाया है, वो अपनी भाषा को ही, अपने अपने देश प्रेम को, अपने अपनी मिट्टी के प्रेम को ही प्रदर्शित करते रहे। दूसरे तीसरे शॉट में हम फिर बाप हो जाते हैं, फैल जाते हैं, कोई टेंशन नहीं। जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे, भले वो फेक ऑडिशंस पे हो, कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। कब सोचा आपने, डिसाइड किया, इरादा किया कि एक्टर बनना? हम सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ते थे, ये तब की बात है। कहाँ पे? सरस्वती शिशु मंदिर ऋषिकेश उत्तराखंड। ओके। कक्षा 5 में होंगे हम, पंचम बोला जाता है वहाँ, संस्कृत में बोलते थे वहाँ। तो 5वीं में ही ये डिसाइड हो गया था कि दूसरा कोई कार्य हमारे लिए नहीं है, यही है। इतनी छोटी उम्र में, इतनी छोटी क्लास में ये बड़ा सपना तय कर लिया आपने कि मैं करूँगा तो यही करूँगा? नहीं, सपने को हकीकत में बदलने में बहुत समय लगा, पर हाँ, सपना तभी देख लिया था जब 5वीं में थे। पहली बार वो वार्षिक उत्सव होते हैं, एनुअल फंक्शन जो होता है, तो उसमें हम सैनिक की भूमिका में, दोनों तरफ तलवार लगी थी, स्टेज पे चढ़े और भरा हुआ था एकदम लबालब लोगों से पूरा वो स्टेज और वो ऑडियंस, और उन लोगों ने तालियां बजाई, तो लगा कि यार ये बहुत बड़ी चीज होती है। लोगों ने उसी समय, उस समय ये मोबाइल वोबाइल तो होता नहीं था उस लेवल का, तो कैमरा हमारे लेकर के आते थे। उसी समय हम जब 5वीं क्लास में स्टार वाली फीलिंग आ गई थी, तो सोचा भाई इससे बेहतर काम कुछ है नहीं, यही करना चालू। और मुंबई कब आया? मुंबई में आ गया था 2008 में, 2008-09 के बीच में। लेकिन जब आपने वन डे का रोल किया, एक दिन वाला काम किया जब आपने, तो वो जो स्टार वाली फीलिंग थी, वो फीलिंग पंचर हो गई यार, तो एक ही दिन का काम मिला है, बहुत छोटा काम मिला, कैसे करूंगा, या उसी ने पुश किया? पुश तो दिन ब दिन, हर वक्त हमको कोई ना कोई पुश करता ही रहता था। सिर्फ एक काम की वजह से नहीं, उस काम को करके हम बल्कि प्रोत्साहित हुए थे। पहली बार जब हम टीवी में दिखे, हमारे दोस्तों ने देखा, वो कहते हैं संस्कृत में एक श्लोक है कि शनै कंथा शनै पंथा शनै पर्वत लंघनम, अर्थात धीरे धीरे समय, धीरे धीरे रास्ता, धीरे धीरे पर्वत को लांघना चाहिए। तो इस बात का बोध था हमें कि भैया एकदम से चमत्कार या बवाल नहीं होगा, पर हाँ, इस बात की समझ धीरे धीरे आती गई कि ये वो तरीका नहीं है, इससे हटो, अब कुछ दूसरा ट्राई करो। फिर दूसरे पे आए, फिर ये भी पता चला कि नहीं भैया, इससे भी बेहतर करना होगा। तो अपने आप में बेहतरी के लिए, अभिनय में बेहतरी के लिए, पर्सनैलिटी में बेहतरी के लिए, व्यक्तित्व में, तो काम करते रहे, फिर वो हुआ। अनु, जितनी आप बात कर रहे हो उससे साफ समझ में आ रहा है कि आपकी भाषा पे, खासतौर से हिंदी की भाषा पे, बहुत अच्छी पकड़ है। और नॉर्मली जो दूसरे शहरों में, छोटी जगहों पर रहते हैं, उनको लगता है यार इंग्लिश नहीं आएगी तो बॉलीवुड में करियर नहीं है। नहीं नहीं, इसका तो, इसके तो बहुत सारे उदाहरण हैं हम लोगों के सामने। और अभी तो जो सुपरस्टार बना हुआ है हमारे इंडस्ट्री में, कपिल, इसका जीता जागता प्रमाण है। सुपरस्टार रहे हैं माननीय गोविंदा जी, वो भी कोई अंग्रेजी में प्रकांड नहीं थे। या मैं ये बात कहते हुए मुझे तनिक भी संकोच नहीं कि अमिताभ बच्चन ने कभी इंग्लिश बोल करके स्टार्डम नहीं पाया है, वो अपनी भाषा को ही, अपने अपने देश प्रेम को, अपने अपनी मिट्टी के प्रेम को ही प्रदर्शित करते रहे। आज भी अगर वो हिंदी बोलते हैं तो लग जाता है कि कानपुर है, इलाहाबाद है, वो मिट्टी दिखती है, वो महसूस कर सकता है आदमी। तो इंग्लिश भाषा आनी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है, वो आज के समय में जरूरी है, पर इतनी जरूरी नहीं कि उसके बिना काम ना चले। मतलब करियर में कोई बाधा नहीं? ऐसा कुछ भी नहीं, करियर में बाधा आपकी सोच से आ सकती है, आपकी भाषा से नहीं आ सकती, आपके विश्वास से आ सकती है, पर कोई भाषा आपको कहीं रोक नहीं सकती है। क्या आज भी पहला शॉट डायरेक्टर हल्की नर्वसनेस होती है? होती है, जब हम किसी नए सेट पर आते हैं, किसी नए सीरियल के, नए फिल्म के, नए समाज में जैसे हमारा आगमन होता है, और उस दिन पहला शॉट देने के लिए हम जाते हैं, अगर नए नए लोग होते हैं तो एक एक कॉन्फिडेंस तो है कि नहीं भाई हम अपना काम जानते हैं तब हम काम कर लेंगे, पर वो एक नर्वसनेस रहती है, वो जो कि फिर वही वो धीरे 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 जाती है। दूसरे तीसरे शॉट में हम फिर बाप हो जाते हैं, फैल जाते हैं, कोई टेंशन नहीं। एक चीज ये जानना चाहूंगा कि इतने साल से आप काम कर रहे हैं, इतने लोगों के साथ काम कर रहे हैं, अब आपको विश्वास होगा कि इंडस्ट्री में आप टिक गए, लेकिन जब आपने सोचा था, तय किया था, तब किसी ने विरोध किया था इस डिसीजन का? देखिए, विरोधों के स्वर अगर जीवन में ना हो तो फिर वो जीवन क्या, वो जवानी जवानी क्या जिसकी कोई कहानी ना हो, ये वैसी वाली बात हो गई है। विरोध स्वाभाविक तौर पे माता पिता का होता है प्रारंभिक समय में,
पिताजी का था, पिताजी चाहते थे मैं एडवोकेट बनूं या जज बनूं, वकालत हमने करी ली थी, उनकी मंशा थी कि मैं जुडिशरी की तैयारी करूं, पीसीएसजे की तैयारी करूं, डीएम बनूं, कलेक्टर बनूं। जब मुमन यूपी में ज्यादातर माता पिता के होता है क्योंकि पापा मेरे एडवोकेट हैं, भाई एडवोकेट हैं, तो उन लोगों की मंशा थी कि मैं ऐसा करूं। पर आज जो भी है, जिधर भी पहुंचे हैं, उन लोगों का आशीर्वाद है। विरोध तो रहे हैं पर ऐसा कोई घनघोर विरोध हमारे जीवन में नहीं रहा जो कि हम सोच के जो चले थे उसको डगमगा दे, इधर उधर कर दे, हिला दे। अपने विश्वास के साथ लोग जुड़ते गए, तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी बात को, चाहे वो हमारे माता पिता हों, हमारे मित्र हों, हमारी पत्नी हों, हमारे दोस्त हों, उनके सामने उतने विश्वास के साथ, उतनी प्रमुखता से उनके सामने रखे कि उनको लगे भैया लौंडा सीरियस है। ऐसा ही नहीं सोच रहा है, ऐसे ही नहीं सोच रहा है। ओके, ये तो आपने बताया वहां की बात, यहाँ पे मुंबई फिल्म इंडस्ट्री ने आपको क्या सिखाया? मुंबई ने तो भाई वो सारी चीजें सिखाई तो शायद हम अपने ऋषिकेश में सीखे ही नहीं थे, वहां तो हम राजा थे। यहाँ समझ में आया कि नहीं आदमी क्या होता है, वहां उठते थे सारी चीजें आंख के सामने होती थी, हाथ पर होती थी, गाड़ी घोड़ा घर पैसा। वहां अपने ऋषिकेश में हम कॉलेज के नेता हुआ करते थे, जिस रेस्टोरेंट में घुस गए वहां कोई पैसा ही नहीं, कोई टेंशन ही नहीं। तो यहाँ आने के बाद समझ में आया कि 150 रुपए किलो सेब होता है, ठीक है, जो हम लोग अपने घर में छोड़ दिया करते थे, खाते नहीं थे। अम्मा कहती रहती थी अरे सड़ रहा है सेब खा लो, अनार खा लो। तो जो बड़ी ही बेसिक बेसिक सी चीजें हैं कि हमें दाल रोटी का जो भाव, जिसे हम लोग कहते हैं, जो बाप माँ बाप कहते हैं कि दाल रोटी का भाव पता चल जाएगा, बहुत सिंपल सी बात है कि दाल रोटी का भाव हमें पता चला यहाँ आकर के। यहाँ के पता चला कि भाई ये सारी चीजें जो हैं इसके लिए लोग मरते हैं, जो हमारे को बड़ी आसानी से मिलती थी, उपलब्धता थी, पर हम लोग उसकी इम्पोर्टेंस नहीं करते थे। माता पिता की इम्पोर्टेंस हम लोगों को, महत्ता हम लोगों को पता चले कि हम लोग घर से सुबह निकले हैं लौंडे घूमने फिरने के लिए, बाइक लेके हम लोग निकल गए शिवपुरी और हम निकल गए राम झूला, फिर आ रहे रात को, फिर घर में खाए पिए, फिर सो गए, फिर सुबह कुछ निकल गए। सुबह सुबह इस बात का एहसास होता था यार उठाने के लिए पापा नहीं है, गाली देने के लिए मम्मी नहीं है, मारने के लिए बड़ा भाई नहीं है। तो ये सारी फीलिंग्स जो होती है, ये बंबई ने इस बात का एहसास कराया कि माता पिता बहुत जरूरी है, भाई बहुत जरूरी है, वो दोस्त जिनके साथ हम लोग नुक्कड़ पे गालीपंती करते थे, बदमाशी करते थे, वो सब कोई था ही नहीं यहाँ पे। यहाँ तो हम लोग सुबह हमारे से होनी थी, शाम हमसे होनी थी, रात हमसे होती थी, अगली सुबह फिर हम ही सब जाते थे। Thank you, Thank you very much. I can even join films someday.